देखिए यूनिट फोर्थ है लेजर एंड कोहेरेंस, मतलब लेसन आपका थर्ड, हमने सेकंड यूनिट लास्ट में पढ़ाते हैं, इसके बाद डिफ्रेक्शन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए लेसन थर्ड है लेजर एंड कोहेरेंस, लेजर एंड कोहेरेंस, लेजर एंड कोहेरेंस, लेजर एंड कोहेरेंस, ये आपका लेसन है। आज का टॉपिक है लेजर, लेजर, एल ए एस ई आर, लेजर। लेजर जो है शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का शॉर्ट नेम है लेजर। जो है शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है इंड्यूस्ड एमिशन, इसका वो एग्जांपल है, तो पर नाम में नहीं आता, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर ये है शॉर्ट नेम। या इस नाम से समझ लीजिए कि आपको लाइट को एम्प्लीफाइड करना है। दिनेश हाथ मार दो जरा, आपको लाइट को एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड का मतलब बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन का मतलब इंक्रीज करना, तो लाइट की वैल्यू को इंक्रीज करना है किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। स्टिमुलेटेड में क्या होता है, इंड्यूस्ड एमिशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है जिससे एक एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट होता है, तो इंड्यूस्ड एमिशन के थ्रू आपको वैल्यू बढ़ानी है, तो लाइट को एम्प्लीफाइड करना है स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट को एम्प्लीफाइड करिए स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। स्टिमुलेटेड मतलब बढ़ा, मतलब आपको एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट कराना है। जैसे एटम है एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पर गया, तो हायर एनर्जी स्टेट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी जिसके कारण जो एब्जॉर्ब किया है वो तो एमिट करेगा ही करेगा, वो तो उसका बेसिक चीज है, पर एक और एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लाइट को एम्प्लीफाइड किया जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। लेजर एक ऐसी डिवाइस है, लेजर इज ए डिवाइस which produces monochromatic collimated highly coherent and strong, highly coherent and strong beam of
लाइट। लेजर वो डिवाइस है जो प्रोड्यूस करेगा मोनोक्रोमेटिक एक कलर की। कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा संकीर्ण, बहुत ज़्यादा फाइन कॉली में लगभग पैरेलल समझिए, ठीक है। हाईली कोहरेंट जिसकी कला नहीं बदलेगी, एक सा ही रहेगा। और स्ट्रॉन्ग पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये लेज़र की जो वर्किंग है तीन मेन फिनोमिना पर डिपेंड करती है। वर्किंग ऑफ लेज़र डिपेंड्स अपॉन थ्री मेन, इधर आगे आ जाओ, इधर आगे जो वर्किंग है लेज़र की वो तीन मेन फिनोमिना पर डिपेंड करती है। वर्किंग ऑफ लेज़र डिपेंड्स अपॉन द थ्री मेन फिनोमिना, तीन मेन फिनोमिना पर डिपेंड करती है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। हवा में बैठ जाओ, इधर बैठ दिनेश, इसको बेटा बहुत पसीना आ रहा है। दिनेश इधर बैठ, इधर बैठो दिनेश, अपने बगल में बैठा लो अमन को। तो लेज़र की जो वर्किंग है तीन मेन फिनोमिना पर डिपेंड करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा है स्टीमुलेटेड एमिशन। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरा है स्टीमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टीमुलेटेड एमिशन। लेज़र वो डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती, स्टीमुलेटेड को इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं, स्टीमुलेटेड को इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं, अमन जरा एक बार समझ लो, ये है आपका थर्ड लेसन यूनिट फोर्थ। ठीक है, यूनिट सेकंड जो है वो हमने लास्ट में पढ़ा, पहले इंटरफेरेंस पढ़ाया, फिर पोलराइजेशन यूनिट थर्ड पढ़ाई, फिर आपका यूनिट फोर्थ पढ़ा रहे, फिर सेकंड पढ़ाए, ये हमेशा क्रम है। लेज़र जो है शॉर्ट नेम है किसका, जो आपने पहले भी सुना होगा, जो लेज़र लाइट यूज होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाइड कर रहे हैं बाई स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को एम्प्लीफाइड करेंगे स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफाइड का मतलब बढ़ाना, लाइट सुधीर नाम है ना, लाइट की वैल्यू को इंक्रीज करना किसके थ्रू, एम्प्लीफिकेशन, स्टीमुलेटेड एमिशन। स्टीमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप हो, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आपके यहाँ पर जो भी फ्रेंड है या जो भी आपके रूम पार्टनर है या कोई भी है, उससे आपने उधार ले लिया। तो जब आपने उधार लिया तो आप जान गए कि जितना हमने, मान लीजिए आपने 2000 उधार लिया, तो आपको 2000 एक आध महीने में वापस करने हैं। और यही वो जो छोटे मोटे ब्याज पे पैसे बांटने वाले घूम रहे हैं, और तुमने उससे ले लिया, तो जब उससे लोगे तो पहले तो परसेंट पूछ लेना, है ना,
कि वो 2% लेगा, 3% लेगा, 4%, पर वो आपसे ब्याज जरूर लेगा। और हो सकता है कि अगर खतरनाक टाइप का आदमी हुआ तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज भी ले ले, कि भाई चला 2000 दिए और उसने कहा तुम हमको पार्ट में देना और उसने आपको से 4000 ले लिए। ऐसे भी लोग घूम रहे हैं, ऐसी बैंक भी हैं, लोग के अलावा बैंक भी हैं कि अगर आपने 1,00,000 लिया तो उसका इतना उनका ब्याज होता है पता नहीं कितना बढ़ जाए। ऐसे फुलटन बैंक है, ठीक है, मतलब कई बैंकें हैं जो प्राइवेट बैंकें हैं उनका ब्याज का, और वो हमेशा जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको वो प्लान बता देते हैं। पता चला किसी ने 1,00,000 ले लिया, उसको पता चला 2.25 लाख तक देना पड़ रहा, ठीक है। तो वही है कि और एक्स्ट्रा वैल्यूज आपको डबल लगभग देनी पड़ेगी, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है लेज़र में। तो लेज़र शॉर्ट नेम है लाइट को एम्प्लीफाइड कराना, और किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन। जो आपने पैसा लिया, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। जो आपने पैसे लिए किसी से, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? मानस ने सुधीर से पैसे उधार ले लिए कि हमको उधार, ये सुधीर बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे तुमने उधार लिए तो तुमने 2000 रुपये मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई, उधार ले लिए, तो तुम यही तो मान के चल रहे हो कि हम 2000 जो लिए वही वापस कर देंगे, ठीक है। तो जो आपने लिया वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही एटम जब एब्जॉर्ब करता है तो जो HNU एब्जॉर्ब किया, और जब वो वही HNU एमिट करता है तो वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। मतलब जैसे एटम होगा लोअर एनर्जी स्टेट पर, HNU का फोटॉन एब्जॉर्ब किया और लोअर से हायर एनर्जी स्टेट गया, तो वो है एब्जॉर्प्शन। और जब हायर एनर्जी पर होता है तो HNU का फोटॉन एमिट करता है, वो है स्पॉन्टेनियस। और अगर तुम्हें उस पैसे लेने की वजह से आपको जस्ट डबल पैसा एक और देना पड़े तो वो है आपका स्टिमुलेटेड या इंड्यूस। जैसे बैंक से लिया या ब्याज पे पैसे लिया तो आपको उसके साथ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, है ना। वही यहाँ पे जस्ट डबल, एक फोटॉन लेगा एटम लोअर से हायर पे पहुँचा, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर पे जाएगा तो एक HNU का फोटॉन स्पॉन्टेनियस के कारण एमिट करेगा और एक फोटॉन एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, ठीक है, या इंड्यूस्ड एमिशन के थ्रू। तो वही हम बता रहे हैं, लेज़र क्या है? शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाइड करने का, किसके थ्रू? स्टिमुल। अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता तो लाइट एम्प्लीफाइड नहीं होती, बढ़ती नहीं, ये किसकी वजह से बढ़ी है? स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से या इंड्यूस्ड एमिशन की वजह से। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है विच प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, एक कलर की, कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा संकीर्ण, कॉलीमेटेड मतलब संकीर्ण बहुत फाइन पैरेलल टाइप की बीम, हाईली कोहेरेंट बहुत ज़्यादा संबद्ध, जिसका जो रूप है वो नहीं बदल रहा है, जैसा है वैसा ही बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाईली कोहेरेंट। और चौथा स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। तो लेज़र जो है प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, हाईली कोहेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। वर्किंग लेज़र की डिपेंड करती है तीन मेन फिनोमेना पर, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक है स्टिमुलेटेड एमिशन। नोट कर लो जल्दी से। तो जो वर्किंग है लेज़र की ये तीन, पहला हम लिखने जा रहे हैं, जल्दी से लिखो मानस। पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन,
एटम इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है, एटम इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है, इसका एनर्जी लेवल E1 है। हायर एनर्जी स्टेट टू पर जाता है, एनर्जी स्टेट E2। एटम एथनी फोटॉन एब्जॉर्व करके लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है। एच न्यू का फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट। इफ एटम इज इनिशियल, ये नहीं, एक मिनट, एक पॉइंट, एटम हैविंग द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, एटम के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, एटम के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, एटम के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इफ एटम, एटम हैविंग द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, ये क्वांटम नंबर से दिखाए जा सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। एटम इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट पर है, इफ एटम इज इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, इफ एटम इज इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, एटम जो है इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है। ये उत्कर्ष लेसन थर्ड आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पोलराइजेशन कंप्लीट हुआ है, लेजर एंड कोहरेंस, लेजर एंड कोहरेंस, पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल अभी क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के, और वो संडे को हम देखेंगे जो भी टॉपिक है अनसॉल्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेजर, लेजर जो है शॉर्ट, एक बार और देख लो, लेजर जो है शॉर्ट नेम है किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट को एम्प्लीफाइड करने का किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब तुम कहोगे स्टिमुलेटेड क्या होता है, एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है तो एक एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके गया, तो वो तो जब एब्जॉर्ब करके गया तो वो फिनोमिना हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, उसी फोटॉन को जब एमिट करेगा तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस पर लगती है जिसके कारण एक और एक्स्ट्रा फोटॉन लगभग उसी एनर्जी का एमिट करता है, लिया उसने एक था, एमिट करता है डबल, और दूसरा फोटॉन एमिट वो किसकी वजह से करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन की। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेजर। लेजर जो है वो शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोड्यूस करेगा मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, तो तुमने देखा होगा लेजर लाइट पिंक कलर की या रेड कलर की होती है, ठीक है, तो सिंगल कलर होता है, कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा फाइन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन, हाईली कोहरेंट, कोहरेंट का मतलब होता है जो उसका रूप नहीं चेंज होता, फॉर्म नहीं चेंज होता, ठीक है। अब जैसे आवाज़ विकास में रहते हो, आवाज़ विकास से उत्कर्ष अगर पैदल चल के आए तो यहाँ आते आते बहुत थक जाएंगे, हो सकता है क्योंकि ये बहुत दोनों गार्जियन जो इनके माता पिता जी हैं दोनों लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं तो इनके पास कोई पैसे कमी नहीं है, तो बहुत इनको लाड़ प्यार से पाला गया है, तो ये इन्होंने कोई मेजर मेहनत तो करी नहीं है, अब वहाँ से ये पैदल चल के आएंगे तो हो सकता है यहाँ पर आके थक जाएँ,
कहेंगे हमको कहो कहेंगे अब नहीं पढ़ेंगे सो जाएं, क्योंकि इतनी मेहनत करी नहीं। क्या हुआ, इनका फेस गड़बड़ा गया वहाँ से यहाँ तक चलने में, ठीक है। फिर वो चल नहीं पा रहे हो, आगे एनर्जी नहीं रह गई है, ठीक है। पर जो ये लाइट रहती है उसका फॉर्म वैसा ही बना रहता है, फॉर्म ऐसा होता है लाइट का, भाई SHM है ना, तो ये फॉर्म वैसा ही बना रहेगा अंत तक, फॉर्म नहीं बदलेगा। ऐसा काफ़ी अधिक लेज़र में काफ़ी अधिक तक रहता है, और अदर लाइट रेज में तो टूट जाता है। जैसे यहाँ से ट्यूबलाइट से लाइट है, रात के समय में इस रूम के बाहर ही उसका फॉर्म बिगड़ जाएगा। और पर लेज़र लाइट देखते हो गए, बटन दबाई काफ़ी दूर तक जाती है, समुद्र की गहराई तुम लेज़र लाइट से नापते हो, तो लेज़र लाइट का जो फॉर्म होता है, जो उसका रूप होता है, वो नहीं जल्दी बदलता। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं कोहरेंस, और ये लाइट बीम हाईली कोहरेंट होती है, उनकी कला जल्दी नहीं बदलती। मेन क्या होता है कि आप जैसे रेसिंग भी करते हो, तो आपने जैसे बहुत लंबी दौड़ में आप दौड़ रहे हो, तो जैसे स्टार्ट करोगे थोड़ी दूर तक तो आप बहुत ज़्यादा आपके एम्पलीट्यूड बने रहेंगे, फिर पता चला अंत तक अगर लंबी रेस है किलोमीटर में है, तो पता चला अंत तक आप क्या होगा, आपके पैरी नहीं आगे बढ़ रहे होता ना। वही स्थिति इस लेदर में इतनी पावर है कि वो उसका रूप बदल ही नहीं रहा, वो इतनी स्ट्रांग है, तो वो क्या कहलाएगी, हाईली कोहेरेंट, उसका फॉर्म नहीं टूटता, ठीक है। जैसे देखा होगा जो बहुत बड़ी रेस होती है, तो लोग तेज़ी से दौड़ते नहीं, पैदल टाइप का चलते हैं, कि जो उनका स्टार्ट में एम्पलीट्यूड रहे वो अंत तक रहे, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही ये लेज़र है, उसका रूप नहीं चेंज होगा, ठीक है, काफ़ी अधिक उसका फॉर्म वैसा ही बना। और ये वाली लाइट है, इसका फॉर्म इस रूम के बाहर एकदम से बाहर गड़बड़ा जाता है, तो ये हाईली कोहेरेंट नहीं है। लेज़र लाइट बीम हाईली कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर, कोई भी लेज़र होगी कलर सिंगल होगा, और मोस्टली रेड रहता है, रेड कलर की लाइट रहती है, रेड वैसे भी जल्दी वेरिएट नहीं करता, तो रेड कलर की लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। और कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा संकीर्ण, बहुत ज़्यादा फाइन पैरेलल, ठीक है, वो कॉलीमेशन है, और स्ट्रांग तो होती है, एंड स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट। तो लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोड्यूस करेगा मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, हाईली कोहेरेंट एंड स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट। लेज़र की जो वर्किंग है वो तीन मेन फिनोमिना पर डिपेंड करेगी। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एटम HN का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट पर हायर से लोअर से हायर पे जाए, तो इसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस में एक सर्टेन टाइम, एक लाइफ टाइम कहलाता है, उस लाइफ टाइम के बाद लाइट एटम जो होता है वो जंप कर जाएगा और एक HN फोटॉन एमिट करेगा, वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस। और तीसरा है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, जिसमें एक और एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। तो जो आपको ऑर्डिनरी लाइट ये मिल रही है, इसमें सिर्फ ये दो फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड का फिनोमिना नहीं। ये वाली लाइट में मेन स्टिमुलेटेड है, लेज़र में मेन यही डिफरेंस, और लेज़र की एनालिसिस आइंस्टीन ने करी थी, ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट चीज़, मान आइंस्टीन की थ्योरी को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो देखिए, एटम के पास अलग अलग क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जो आप थ्योरी पढ़ रहे थे, जैसे एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ रहे थे, तो उस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन थे, कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम है, एटम ये है आपका, एटम के पास भी अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, एटम हैविंग द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, उसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इफ एटम इज इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, ये लोअर एनर्जी स्टेट वन है, जिसकी एनर्जी E1 है, उत्कर्ष फोटो खींच लो, या यहाँ का लिख लो थोड़ा सा जल्दी से, तो हम इधर रफ करें, जल्दी कर लो जो भी कर लो।
खड़े हो खींच लो साफ आ जाए। ग्रुप में भी हम डाल देते हैं पीडीएफ, है ना, उधर ना खींच लेना, वो पार्ट वन का लिखा है, वो नहीं है, इससे नहीं मतलब तुमको, इधर वाला ना खींच। देखिए एटम इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है, एटम इज इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन वही एच न्यू का एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट टू पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट टू पर, सामने है हायर एनर्जी स्टेट टू पर। तो फोटॉन एब्जॉर्ब करके इनिशियल एनर्जी स्टेट से अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर से हायर एनर्जी स्टेट जाना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यही लिख रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना बाय विच एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना बाय विच जिसके द्वारा एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना बाय विच एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ फोटॉन क्या करता है, फोटॉन एब्जॉर्ब करके By absorbing of photon, देखिए E2 - E1 बराबर है H nu, तो nu बराबर है E2 - E1 अपॉन H। ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इस टॉपिक में यहां तक करोगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे, तीसरे नंबर के लिए सिर्फ अलग से सिंगल टॉपिक भी है ये। तीसरा नंबर पाने के लिए आपको आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, वो लिखने जा रहे हैं हम। आइंस्टीन ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनाया है, अब से कंसंट्रेट करो आगे होके बाद, अभी तुम्हें 15 मिनट हम समय दे देंगे, अभी रुक जाओ। यहाँ पर एटम के लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये यहाँ तक आप जब भी ये टॉपिक आएगा 3 मार्क्स में आएगा, तो इतने पॉइंट जब लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी वाला जब आप पॉइंट लिख दोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये आता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन P21 किस पर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट फोटॉन की फ्रिक्वेंसी पर। तो वही हम बताने जा रहे हैं के एटम्स के 1 से 2 तक जाने की प्रोबेबिलिटी, तो अब हम वो इधर लिख रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 वन से टू पे जा रहे हो ना, P12 प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम लगता है यहाँ पर, पर यूनिट टाइम P12 is directly proportional to energy density u है फंक्शन किसका, न्यू का, एनर्जी डेंसिटी यू न्यू। अमन अब लगातार आया करो, संट कल नहीं आए थे, आए थे कल, कौन नहीं आया था भाई नितेश, बहुत इम्पोर्टेंट, चलो अच्छा। और ये प्रियांशु आए थे कल, क्यों नहीं आए थे, अब हम फोन कर देंगे पिताजी को, आज सुबह डाल पाओ, डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, सुबह डाला अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी के। तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी यूनिट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी यूनिट। यू का मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू का ये मतलब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब बराबर किया P12 बराबर B12 यू, B12 आइंस्टीन कोफिशियंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की, जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की वो एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसी फोटॉन की एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग एटम्स की प्रोबेबिलिटी होगी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, हाँ बोलिए, ठीक भिजवा दीजिए। कॉलेज में मिलेंगे और कहाँ, रसीदी टिकट लगा दिया उसमें, ठीक। हाँ, सुबह 10 बजे तक क्लास है, हाँ ठीक है, अभी हम फ्री होंगे तब बात करेंगे। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एटम की लोअर एनर्जी स्टेट है 1, हायर एनर्जी स्टेट है 2, ठीक है, इसका एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, एटम H nu का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट चला जाता है। तो देखिए एटम हैविंग द क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्योंकि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों डिफरेंट ऑर्बिट्स, उनमें
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम के लिए नहीं पढ़ा, इसमें हम किसके लिए बता रहे हैं, एटम के लिए, ठीक है। जैसे रूबी लेजर पढ़ोगे तो क्रोमियम के आयंस हैं या क्रोमियम एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे, ठीक है। इसी तरह हीलियम नियॉन लेजर पढ़ोगे तो उसमें हीलियम के एटम्स, गैस यस एटम्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, ठीक है, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट। तो एटम के भी हायर एनर्जी, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं। क्वांटाइज्ड अगर वर्ड टिपिकल लग रहा हो तो एक और तरीका है, क्वांटाइज भूल जा रहे हो तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, एटम हैविंग द डिफरेंट एनर्जी स्टेट। क्वांटाइज वर्ड नहीं याद कर पा रहे हो तो डिफरेंट याद कर लो, ठीक है। इफ़ एटम इज इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, एटम जो है इनिशियली लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है एटम, ठीक है, ये है लोअर एनर्जी स्टेट वन पर। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन, भाई आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि वहाँ फोटॉन मिले, ठीक है। तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन, वो फोटॉन एब्जॉर्ब करे और एटम पहुँचे हायर एनर्जी स्टेट पर, मतलब ये आपको सप्लाई करनी है एच न्यू का फोटॉन। जैसे रूबी लेजर आप पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट लेजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेजर है। रूबी लेजर में हम Al2O3 की रॉड लेते हैं और जिसमें Cr2O3 लगा देते हैं, Cr के आयन एक्साइट होते हैं, ठीक है, हर एक में नहीं होती प्रॉपर्टी, एल्युमिनियम के आयन मूव नहीं कर देंगे, क्रोमियम के आयन एक्साइट होते हैं, तो जो Cr के आयन्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए चारों तरफ एक ट्यूब लगाते हैं जीनॉन गैस की, और जो फोटॉन देती है और उसको एब्जॉर्ब करके एटम्स एक्साइट होते हैं क्रोमियम के, ठीक है। तो एटम के पास क्वांटाइज या डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, एटम इनिशियली, ये जनरल है, एटम इनिशियली इन लोअर एनर्जी स्टेट वन, एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट वन पर है, एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट टू पर पहुंच जाता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन, फोटॉन एब्जॉर्ब करके एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट टू, एटम पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट टू पर, एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके एटम पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट टू पर, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब करना रेडिएशन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना, ये मेन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना बाई विच एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग ऑफ फोटॉन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो फिनोमिना है जिसके द्वारा एटम पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट, क्यों पहुंच जाता है, एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके, एच न्यू का फोटॉन अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंच जाता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये है E2, ये है E1, E2 माइनस E1 किसके बराबर, H2, ये लिख दिया H2, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H, न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन की, E2 एनर्जी है सेकंड एनर्जी स्टेट की, E1 एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़ा मेन है, इसके बिना तो टीचर आपको नंबर और भी कम दे सकता है, तो मेन ये है इस टॉपिक का, मेन ये रहता है प्रोबेबिलिटी, ये मेन है, ये आइंस्टीन ने ये दिया था, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी समझ गया, प्रायिकता, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की, एब्जॉर्ब करके मूव करने की, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी स्टेट जाना, इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी यूनिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी यूनिट के, तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी यूनिट के।
यू इज द फंक्शन ऑफ न्यू। जब बराबर करेंगे तो पी वन टू बराबर बी वन टू यू न्यू, पी वन टू बराबर बी वन टू यू न्यू। बी वन टू जो है आइंस्टीन कोफिशियंट है, बी वन टू क्या है आइंस्टीन कोफिशियंट। देखिए बी वन टू आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। बी वन टू जो है आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अभी तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ जो आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करे, चाहे वो भले ऐसा हो जिसमें कन्फ्यूज़न हो, पर चैलेंज करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो आइंस्टीन की थ्योरी बहुत स्पेशल, जैसे एक अलग चीज़ आ गई जो दिमाग में आ गई, जैसे आपको हमने पहले भी बताया होगा कि ये आइंस्टीन ने बताया था, इसलिए उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है कि आइंस्टीन ने बताया, एक टॉपिक बताया ट्विंस पैराडॉक्स, ठीक है। कंपटीशन वम्पटीशन में कोई भी आप टेस्ट वेस्ट दोगे तो उसमें बहुत पूछा जाता है, जैसे आपको ये एयरफोर्स का दे रहा हो या इन सब के लिए। तो ट्विंस पैराडॉक्स क्या है कि जुड़वे भाई हैं दो, ठीक है, राम और श्याम। अगर राम जो है अर्थ पर ही रहे और श्याम स्पेस व्हीकल पर बैठ जाए, ठीक है, अब राम तो अर्थ पर रहा 20 साल बाद, मान लो 20 साल का है, 20 साल बाद उसकी एज 40 हो जाएगी, और श्याम स्पेस व्हीकल पर बैठ गया है। स्पेस व्हीकल की वेलोसिटी जो होती है लाइट की वेलोसिटी के आसपास होती है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक में उसकी एज जो है उस क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर श्याम लौट के आएगा 20 साल बाद, हो सकता है उसकी 38 साल एज हो सकता है उसकी 37 साल, मगर कम होगी एज हमेशा। ये है ट्विंस पैराडॉक्स। तो आइंस्टीन के द्वारा है, तो आइंस्टीन की किसी चीज़ को कोई चैलेंज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल थ्योरी है, नाम भी उन्होंने स्पेशल दे दिया था। तो उसी तरीके का आइंस्टीन ने ये बताया कि जैसे एटम है लोअर एनर्जी स्टेट पर है और लोअर से हायर एनर्जी स्टेट, जब वो जा रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी यूनिट। अब पी वन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी के, यू में मेन तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का मतलब क्या है एच न्यू, और वॉल्यूम हो गया वी, तो यू का मतलब एच न्यू अपॉन वी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पी वन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी के, जब बराबर करोगे तो आइंस्टीन का कोफिशियंट आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये पॉइंट मेन है सबसे ज़्यादा, अगर इस पॉइंट को टीचर नहीं देखे मिलेगा तो आपके नंबर कम होंगे। अब देखिए दूसरा आ गया, सब बच्चों को समझ गई, तुम लोग बताओ सुधीर समझ गए, बगल में ये समझ गए, कहीं पूछना हो बताओ, कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। फोर नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जैसे एटम है, ये मेन थ्योरी है, एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर था, ठीक है, और वो हायर एनर्जी स्टेट पर गया, तो हम ये कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो फिनोमिना है जिसमें एटम एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचता है, वो फिनोमिना। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, मतलब ये नहीं कि एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो फिनोमिना है जिसके द्वारा एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा। तो वही हमें लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है बाय विच, जिसके द्वारा एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। भाई ये जनरल E1 E2 नहीं लिखेंगे ना, एटम कहाँ पहुँच रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर पर, हायर एनर्जी स्टेट उच्च ऊर्जा स्तर पर,
बाई एब्जॉर्बिंग ऑफ फोटॉन, फोटॉन एब्जॉर्ब करके, एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंचने का फिनोमिना एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो फिनोमिना है जिससे एटम हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचता है, क्या करके, फोटॉन एब्जॉर्ब करके। ये है सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये था E2, ये था E1। अब एच न्यू का फोटॉन लिया था तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू ले लिया, एच न्यू ले लिया तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच, ये आपका, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता पहुँचने, हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है ना, हर वो लॉस क्या, जैसे अब तुम हो, अभी आप पर्टिकुलर इस अर्थ पे हो, अब अचानक आपको बहुत एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे समाज में तो क्या, पैसा मिल जाए, ठीक है, मतलब अब सामाजिक स्तर में तुम्हारे पास एकदम से 1 करोड़ आ गया, अभी तुम नवाबगंज में रह रहे हो, ठीक है, एक अपने साधारण से घर में जो गार्जियन कर पाए, ठीक है, या तो आपकी एक स्तर है लोअर, ठीक है। अब तुम कौन बनेगा करोड़पति से, 4 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जीत, 7 करोड़ जीत गए, इनकम टैक्स कट कटा के तुमको 5 करोड़ के आसपास मिल गया, ठीक है। अब तुम क्या होगा, जैसे ही तुम्हारे पास इतने करोड़ों रुपए आएगा, तुम कहोगे यहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, तुरंत तुम बदल दोगे और स्वरूप नगर में कोई अपार्टमेंट ले लोगे या घर खरीद लोगे वहाँ, ठीक है, अपना तुरंत स्टैंडर्ड बदलोगे। वही यहाँ पर होता है कि मिला तभी तो गया, वो उसके लिए वो खर्च भी करेगा एनर्जी थोड़ा बहुत, पर हम उसका कैलकुलेशन क्या करेंगे, E2 माइनस E1 एच न्यू के बराबर है ना, तो वो एनर्जी मिलने से ही तो गया वहाँ पर। अब तुम सोच रहे हो उसमें खर्च हो गया, हम उस एच न्यू से कुछ कम कर दें, ये हम समझ रहे हैं, पर उससे सब मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाएगी। तो हम ये मानेंगे एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके वो लोअर से हायर पे गया, ठीक है, ये है। अब ये E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम किससे दिखा रहे, पी वन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, जैसी एनर्जी डेंसिटी, अब जैसे एच न्यू आया, अब यहाँ के कुछ अदर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा एनर्जी डेंसिटी पर, ठीक है। जब बराबर किया तो आइंस्टीन कोफिशियंट आया, कौन सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब समझ गए सुधीर, समझ गए मानस, समझ गए दिनेश। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक है, ये अलग अलग शॉर्ट के टॉपिक भी हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, तो हर यूनिट से लॉन्ग तो देना ही होता है। आपका सेक्शन बी में 2 लॉन्ग, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, एक तो सेक्शन ए है जिसमें 6 शॉर्ट आएंगे जिनमें कोई चॉइस नहीं है, है ना, मालूम है ना, एक तो अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है, सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो पहली यूनिट में, पहले सेक्शन में कोई चॉइस नहीं, फिर दूसरे सेक्शन में लॉन्ग करने हैं 2 लॉन्ग, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के 2 लॉन्ग होंगे और डिफ्रैक्शन के 2 लॉन्ग होंगे, इनमें से आपको 2 लॉन्ग करने होंगे, ठीक है। फिर सेक्शन सी जो है उसमें पोलराइजेशन के 2 लॉन्ग होंगे और इस लेज़र के 2 लॉन्ग होंगे, उनमें से 4 लॉन्ग होंगे, उनमें से 2 करने हैं, तो ये वाले पार्ट में इन्हीं में से लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। एक ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कर रहे हैं ना, इसका प्रूफ भी है, वो वाला लॉन्ग आता है तो फुल मार्क्स का इसका लॉन्ग है, ठीक है। पोलराइजेशन में आपको थ्योरी में नंबर कटेंगे, पर इसमें एक लॉन्ग आएगा वो बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। देखिए दूसरा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और शॉर्ट के छोटी यूनिट है ये, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एटम जब हायर एनर्जी स्टेट पर है, पहुंच गया है हायर एनर्जी स्टेट 2 पर है,
आफ्टर 10^-8 सेकेंड, इतने समय बाद, ये एक लाइफ टाइम है जनरल वे का, बदलता भी है, हर एक के लिए थोड़ा बहुत वेरिएट करेगा, अप्रॉक्सीमेट वे में ये लाइफ टाइम के बाद एटम जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट पर और एक HN का फोटॉन एमिट करेगा, जो लिया है वो एमिट करेगा। अमन प्रताप सिंह ने अगर किसी से उधार ले लिया, दोस्त यार से ज़रूरत पड़ गई, तो ये फिर उसे उतने ही पैसे क्या करेंगे, पेटीएम करेंगे, क्यों अमन, है ना, तो उतने ही जितने आपने उधार लिए वो है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मतलब जितना लिया था वही लगभग एमिशन होगा, वो स्पॉन्टेनियस में आता है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा स्पॉन्ट स्टिमुलेटेड में आएगा। तो देखिए एटम जब हायर एनर्जी स्टेट पर होता है तो उसका एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है, एटम एट हायर एनर्जी स्टेट एटम जो उच्च ऊर्जा स्तर पर है, एटम एट हायर एनर्जी स्टेट हैविंग द सर्टेन लाइफ टाइम एक सर्टेन लाइफ टाइम है भाई, इतने समय तक ही वो रुकेगा, ये नहीं कि चाहे जितने समय तक वहाँ रुका रहे, जब वो अपनी ऊर्जा स्तर छोड़कर दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाता है तो वो ये नहीं कि चाहे जितने दिन रुका रहे। जैसे तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो एक दो दिन तक जाओगे तो बहुत सम्मान करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, और तुम वहाँ पर जाओ 2 महीने से पड़े हो तो वो भी चाहेगा जल्दी जाएं, ये आफत कर दी इन्होंने, होता है कि नहीं। आप अपने घर में चाहे जितने समय तक रुको ना, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन, जब तक तुमको प्रॉपर वे में नाश्ता खाना पानी मिलता रहे तब तक ठीक है। अब तुम वहीं खटिया डाल के सो गए कि अब हम जाएंगे नहीं, 2 महीने से पड़े तो वो पूछेगा कब जाओगे भैया। वही स्थिति है कि एटम के हायर एनर्जी स्टेट में एक लाइफ टाइम है, और वो भी बहुत कम समय, लगभग ये होता है, ये लाइफ टाइम जो होती है अप्रॉक्सीमेट, लगभग सभी का अप्रॉक्सीमेट ये लगभग है लाइफ टाइम, ये सबके कुछ बदल भी जाती है, 10^-1 इतना टाइम होता है लगभग, इसीलिए जनरल वे में ये कह देते हैं, जनरलाइज्ड वे में 10^-8 सेकेंड की बात करते हैं। हाँ, दूसरे अपने से दूसरे पे जाएगा, हायर पे जाए लोअर पे भी जाए, अपनी ऊर्जा स्तर छोड़ के जाएगा तो उसका लाइफ टाइम लगभग 10^-8 सेकेंड का है, ठीक है, ये है आपका। इस लाइफ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम एटम जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट एटम जंप कर जाता है लोअर एनर्जी स्टेट, एटम जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट एमिटिंग ए फोटॉन ऑफ HN एनर्जी, एमिट करेगा फोटॉन HN एनर्जी का,
एमिट करेगा एच न्यू एनर्जी का फोटॉन। ठीक है, अब यही हम लिख रहे हैं तीसरे पॉइंट में, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है बाई विच एटम प्रोड्यूसेस ए फोटॉन एंड जंप्स टू द फोटॉन प्रोड्यूसेस ए फोटॉन आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम। हम सबके लिए कह रहे हैं ना सर्टेन लाइफ टाइम, आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम एंड जंप्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट, जंप्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट, ये आपका है। भूल गए यही लिख दीजिएगा बस। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द फिनोमिना बाई विच एटम प्रोड्यूसेज ए फोटॉन आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम एंड जंप्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट, और जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ। ये उसका बेसिक है। अब जैसे ये जो लाइट है इसमें यही होता है बस, एटम एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पहुंचा। अब तुम कहोगे यहाँ एच न्यू का फोटॉन तो दिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन से आयंस एक्साइट हो रहे हैं। जैसे ट्यूबलाइट है, ये तो एलईडी है, ये ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, पुराने ज़माने वाली ट्यूबलाइट। आजकल तो सब एलईडी यूज़ होने लगा ना, तो लाइट इमिटिंग डायोड की स्थिति अलग है। पर जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट थी, ठीक है, जिसमें गैस भरी रहती थी, तो उसमें क्या इधर फिलामेंट, आयोनाइजेशन से जो आयंस थे वो एक्साइट होते थे, तो वो भी एनर्जी तो मिली, और वो ये नहीं मिल पा रही एच न्यू की, ठीक है, एनर्जी मिली। अब जब वो हायर एनर्जी स्टेट पर गए और एच न्यू का फोटॉन जंप कर प्रोड्यूस करके लोअर, यहाँ पे ये पी टाइप एन टाइप है, बीएससी पार्ट वन में पढ़े थे, पी टाइप के होल्स इधर चले, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन इधर चले, वो एक दूसरे से रिकम्बाइन कर गए। ठीक है, रिकम्बाइन कर गए, उन्होंने एनर्जी एमिट करी, जो एनर्जी की गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, उसके बराबर की एनर्जी प्रोड्यूस करें, या ये समझो फोट होल और इलेक्ट्रॉन बनाने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी उसने एमिट करी, ठीक है, ईजी के बराबर। तो वो इस तरीके से भी है, पर यहाँ पर जितना उस बनाने में लगा वही गैप की, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एमिशन नहीं हुआ है, तो ऑर्डिनरी लाइट आ रही है। ठीक है, तो जो आपके ये सोर्स हो गए, एलईडी हो गई, ट्यूबलाइट हो गए, जो ऑर्डिनरी सोर्सेस हैं उनमें सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन तक ही होता है, स्टीमुलेटेड एमिशन नहीं होता, ओनली स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द फिनोमिना बाई विच एटम प्रोड्यूसेस ए फोटॉन, एटम प्रोड्यूस करेगा फोटॉन आफ्टर सर्टेन लाइफ। अब भाई हर एक का अपना अपना टाइम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये तो हम एक अप्रॉक्सीमेट लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं लगभग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है बाई विच एटम प्रोड्यूसेज ए फोटॉन आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम के बाद एंड जंप्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट, और जंप करेगा लोअर, ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप हो रहा है। ठीक है, ये जंप कर रहा है। अब देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस यही दो पॉइंट आप लिख दीजिए, ये मेन पॉइंट है और एक प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला मेन पॉइंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन
क्या है P21 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, P21 डैश इज डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली नहीं P21 डैश इज इक्वल टू द नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन P21 डैश डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी स्टेट्स वो एनर्जी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा. प्रॉबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम भूल गए यहाँ पर पर यूनिट टाइम जरूर लगाओ भाई. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन P21 डैश क्या है पर यूनिट टाइम पर है, डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी स्टेट्स 1, 2, 3 जो भी ले रहे हो, और P21 डैश की वैल्यू है A21. P21 डैश की वैल्यू है A21 आइंस्टीन कोफिशियंट है. A21 आइंस्टीन कोफिशियंट है वेयर A21 इज द आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ठीक है. देखिए नींद तो नहीं आ रही, सो तो नहीं रही हो, अगर हो तो बता दो, चाय पिला दे, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है, ठीक है, और वो जब हायर एनर्जी स्टेट 2 पर पहुंच गया किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के थ्रू लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गया है. ये हायर एनर्जी स्टेट पर है तो वो अपने एनर्जी स्टेट पे तो है नहीं, लोअर वाला मोस्टली उसी का होता था जहां पर वो था, H nu का फोटॉन लिया वो हायर पे चला गया, वो उसका है नहीं, तो वहां पर उसका एक लाइफ टाइम होगा, उतने समय तक ही रुक सकता है, और उस लाइफ टाइम को हम क्या कहते हैं, मीन लाइफ टाइम, या वो एक टाइम है जिस समय तक वो रुकेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ टाइम. तो एटम एट हायर एनर्जी स्टेट हैविंग ए सर्टेन लाइफ टाइम, एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है, और उस लाइफ टाइम की वैल्यू है, टी की वैल्यू है लगभग 10^-8 सेकेंड, ये टी की वैल्यू है, इतने समय तक लगभग वहाँ रुकेगा, यही टाइम तक उसका रुकने का समय है, ठीक है. अब इस लाइफ टाइम के बाद एटम क्या करेगा, आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम एटम जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, एटम जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट पर, एटम जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट एमिटिंग ए फोटॉन ऑफ एनर्जी H nu, और एमिट करेगा फोटॉन जिसकी एनर्जी है H nu, ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है. अब हमने कहा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन वो फिनोमिना है जिससे एटम जो हायर एनर्जी स्टेट पर है, ठीक है, वो एक सर्टेन लाइफ टाइम के बाद
फोटॉन एमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। तो हमें लिख दिया स्पॉन्टेनियस एमिशन इज़ द फिनोमिना बाई विच एटम प्रोड्यूसेज ए फोटॉन आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम, सर्टेन लाइफ टाइम के बाद फोटॉन एमिट करेगा एंड जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट और जंप कर जाएगा लोअर एनर्जी। ये है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है ये P21 किस पर यूनिट टाइम किस पर डिपेंड करेगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर, इन एनर्जी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी स्टेट। P21 की वैल्यू A21, वेयर A21 इज़ द आइंस्टीन कोफिशेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब देखिए ज़रा बच्चों, लास्ट पूरा हो जाए टॉपिक, स्टिमुलेटेड एमिशन। तीसरा है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, एक है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक है स्टिमुलेटेड एमिशन, या क्या कहेंगे इंड्यूस्ड एमिशन। इंड्यूस्ड एमिशन एटम जब हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, हायर एनर्जी स्टेट पर होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, जिसके कारण वो एक फोटॉन तो एमिट करेगा ही स्पॉन्टेनियस के कारण, एक फोटॉन और एमिट करेगा स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन के कारण। इंड्यूस्ड एमिशन के कारण एक और फोटॉन एमिट करेगा। ठीक है, तो एटम जब हायर एनर्जी स्टेट पर है वो किसके प्रभाव में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में। एटम एट हायर एनर्जी स्टेट, एटम एट हायर एनर्जी स्टेट, एटम एट हायर एनर्जी स्टेट मे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटम एट हायर एनर्जी स्टेट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हायर एनर्जी स्टेट पर एटम है, किसके प्रभाव में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और लिख दें ड्यू टू इंसिडेंट फोटॉन। किसने बनाया ये फील्ड, इंसिडेंट फोटॉन ने बनाई ये फील्ड, बनाई इंसिडेंट फोटॉन। जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा था उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दी है, एटम जो हायर एनर्जी स्टेट पर है मे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक और एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा, उससे हम कहते हैं इंड्यूस्ड एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ड्यू टू
ड्यू टू द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, एटम प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा फोटॉन, एटम प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा फोटॉन ठीक है, एक्स्ट्रा फोटॉन, फोटॉन लगभग उसी एनर्जी का, ठीक है, एक्स्ट्रा फोटॉन, फोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटम प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा फोटॉन, फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, सच टाइप ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन, इस टाइप का जो एमिशन है फोटॉन का इज नोन एज स्टीमुलेटेड एमिशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीमुलेटेड एमिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटम प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा फोटॉन, एटम प्रोड्यूस करेगा एक एक्स्ट्रा फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी, उसी ऊर्जा का, इस टाइप के एमिशन को, एमिशन ऑफ फोटॉन इज नोन एज स्टीमुलेटेड एमिशन, इस टाइप के एमिशन को हम क्या कहते हैं, स्टीमुलेटेड एमिशन अब आइए प्रोबेबिलिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, लॉन्ग में पूरा है, लेदर का ये मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम, ये भी एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। तुम लोग भाई जल्दी आ जाया करो, 9 बजे से 5-10 मिनट पहले ही, ठीक है, जो जल्दी आ जाया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन पर उत्कर्ष, 8:30 बजे घर से निकल दिया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एनर्जी, तो P21" करो, ये सिंगल डैश किया, ये डबल डैश किया, तो P21" डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनियो के एनर्जी डेंसिटी के। हेलो, हाँ हाँ, भेज दो, खुशी को भेज दो, जब बात करेंगे 2 मिनट भेज दीजिएगा। हाँ, कब से पढ़ेगी, क्यों ऐसा, क्यों 15 से क्यों, अच्छा, ठीक, तो 15 से पढ़ लें,
तो फिर वो भेज दीजिएगा, कागज़ भिजवा दो बेटे से। हाँ हाँ कॉलेज जाएंगे, लगा दें जाके उसमें। हाँ 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 आप दे दे जाओ, कोई भी दे जाओ, ठीक है, ठीक ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन P21" पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। तो P21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी के, ठीक है। तो जब बराबर किया किसके बराबर आएगा, यहाँ पर हो गया A21, वहाँ हो गया था B12, यहाँ हो गया B21। ये 21 और 12 का मतलब है, स्पॉन्टेनियस वाला A21 और ये वाला B21 है ना, और एब्जॉर्प्शन वाले में B12 है, 1 से 2 का। तो B21 वेयर B21 आइंस्टीन कोफिशियंट है स्टिमुलेटेड एमिशन का। वेयर B21 इज द आइंस्टीन, क्या कर रहे हो, उल्टी उल्टी ना कर देना यहाँ, आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ, हमारा ब्रदर तुम वैसा काम कर दो, दिक्कत हो चले जाओ बाथरूम में चले जाओ। वेयर B21 इज द आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन, इंड्यूस्ड एमिशन आइंस्टीन कोफिशियंट है स्टिमुलेटेड एमिशन का या इंड्यूस्ड एमिशन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन का हुआ। आदित्य समझ गए, आदित्य एटम लोअर एनर्जी स्टेट पे था, हायर पर गया, तो हमने लिया B12 कोफिशियंट, यहाँ पे हायर से लोअर पे आ रहा है तो हमने क्या लिया B21। वो दो बार भी आया, एक B12 है एक B21 है। देखिए एटम एट हायर एनर्जी स्टेट, जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, मे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंसिडेंट फोर्स, जो फोटॉन इंसिडेंट हुआ उसके प्रभाव में, उसके वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, क्योंकि HNU का फोटॉन आया है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, उसके प्रभाव में आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण एटम प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा फोटॉन, एटम प्रोड्यूस करेगा एक एक्स्ट्रा फोटॉन उसी सेम एनर्जी का या लगभग उसी एनर्जी का, मतलब एक फोटॉन तो एमिट किया ही है जो लिया था, और एक एक्स्ट्रा फोटॉन उसी एनर्जी का फिर एमिट करेगा, ठीक है। तो इस एमिशन के फिनोमिना को हम स्टिमुलेटेड एमिशन या स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड एमिशन या क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एमिशन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन P21" पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। तो P21" डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, जब बराबर किया तो P21" किसके बराबर, B21 यूनिट, ठीक है। वेयर B21 इज द आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब देखिए जरा बच्चों, टोटल बस हो गया, क्या कह रहे हैं, बस खत्म हो गया, एक मिनट बस फाइनल कर दें दो। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी, तुम लोग बंसल सर से 5-5, 6-6 घंटे कैसे पढ़ लेते हो, यहाँ तो एक ही घंटे में तुम्हारी हालत खराब है। अच्छा अच्छा
टू से वन। एटम का लोअर एनर्जी स्टेट टू से वन जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल हो गया ना, यहाँ दो हो गई ना, एक स्पॉन्टेनियस भी हो गया एक स्टीम। टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू जंप्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू जंप्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट, हमने नंबर में लिख दिया सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी P21, टोटल प्रोबेबिलिटी जंप करने की P21, ठीक है, स्पॉन्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। किसको ये प्रॉब्लम, किसकी हो गई उसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जब बस हो गया। P21 किसके बराबर? P21 के, P21। तो ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी P21। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई P21, इसकी वैल्यू P21 की वैल्यू क्या है? A21, और इसकी वैल्यू क्या है? B21। बच्चों ये हो गया आज आपका, ठीक है, यहाँ तक आज आपका लॉन्ग हुआ है। इतना करोगे लेदर में तो 8 में 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक। ये तैयार करके आइएगा अगले टर्न पर, इसका उपयोग है आप।